61 सीटों पर मतदान चल रहा है और बहुत सारे दिग्गज आज चुनाव मैदान में हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। शाम को जब वोटिंग समाप्त होगी तो यह तय हो जाएगा जनता के द्वारा कि उनकी किस्मत आने वाले 5 साल के लिए क्या होने वाली है। सुल्तानपुर चलते हैं विवेक त्रिपाठी के पास और देखते हैं कि सुल्तानपुर में वोटिंग कैसे प्रारंभ हुई है, क्या तस्वीरें हैं वहां की, कितना उत्साह है और क्या मुद्दे लेकर वोटर्स वोट करने पहुंच रहे हैं। विवेक जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सुल्तानपुर सीट है, विधानसभा सीट और तहसील भवन है जहां हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं कितनी लाइन लगी है यहां पे। चूंकि अभी सुबह का वक्त है और 7 बजा है तो मतदाता यहां पर धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। ये एक अंदर पोलिंग स्टेशन आप सामने देख रहे हैं, इस पोलिंग स्टेशन में अंदर एक बूथ है जहाँ पर जितने वोटर हैं वो सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं और एक बूथ ये हमारे सामने यहाँ पर दूसरा बूथ है। इस पोलिंग स्टेशन पर 3 बूथ हैं और ये दूसरा बूथ है जहाँ पर इक्का दुक्का मतदाता आपको नजर आ रहे हैं, यानी अंदर हैं लोग और वोटिंग शुरू हो गई है, चल रही है। और तीसरा जो बूथ है वो आपको दिखाएंगे, महिला स्पेशल बूथ है, यहाँ पर एक महिला स्पेशल बूथ बनाया गया जिसको पिंक बूथ भी कहा गया है। और पिंक बूथ में यानी हर कर्मचारी यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट भी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है या जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, वो सब महिलाएं हैं, यानी इस बूथ पर महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था है, कोई भी महिला यहाँ पर आकर वोट डाल सकती है। और करीब 44 बूथ इस पोलिंग बूथ पर हैं, 44 वोट इस पोलिंग बूथ पर हैं और अभी तक, हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है लेकिन कुछ लोग वोट डालकर यहाँ आ रहे हैं। आपने सर वोट डाला, पहला वोट? जी हाँ, पहला वोट। नाम है अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार जी, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है, क्या सुल्तानपुर के क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं? विकास का मुद्दा है। ठीक 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 विवेक, विकास मुद्दा है। अभी कम तादाद में वोटर पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि आगे जाके उनका उत्साह दिखाई दे लेकिन अभी तादाद कम है।